श्रीलंका मुझे उम्मीद थी कि श्रीलंका जीतेगा, लेकिन इतनी नहीं थी कि जैसे बांग्लादेश खेल गया। अब मुझे लगता यूं है कि जरा बांग्लादेश पर हमें बात करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश जहां पर हमने शुरुआत देखी थी ना, आज भी वहीं खड़ी है माजरत के साथ। वजह उसकी ये है कि वो नए टैलेंट को मौके नहीं दे रहे, घूम घुमा के उनके पास एक ही है, शकीब उल हसन को घुमा घुमा के लेके आते हैं, मुश्फिक उर रहीम को लेकर आते हैं। आप ये देखें कि नया टैलेंट किधर है बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना डोमेस्टिक सिस्टम को बेहतर करें। वो ना उनके हफीज और शुएब मलिक दोनों आप ये देखें ना, फास्ट बॉलिंग में इबादत हुसैन के बाद कौन सा फास्ट बॉलर उनके पास है? इबादत हुसैन भी अभी वो इंजर्ड है, लेकिन ओवरऑल ये। और दूसरी बात है कि आप मैच से बिल्कुल पहले वो लिंटन दास जी वो इंजर्ड हो गए, एक बहुत बड़ा सेटबैक था इनके लिए। बैटिंग में टैलेंट आया, शंतो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। आज बड़ी कोशिश की स्कोर करने की और बहुत अच्छा स्कोर किया शंतो ने, 89 किया। आपकी बात सही है, ये आपने अच्छा नाम दिया, लेकिन सर मसला क्या है? अब आप जरा ये यहाँ पर आए, क्योंकि हम बांग्लादेश डिस्कस कर रहे हैं, बाद में आगे देखेंगे कि क्या आपके जो नईम आया इनका, मोहम्मद नईम 16 और तंजीद हसन 0, ये नजमुल हुसैन शांटू जो है 89, शकीब उल हसन वही 5 कप्तान साहब, और तौहीद 20 और मुशफिकुर रहीम। यार ये देखिए ना, मुशफिकुर रहीम रिटायर, छोटे छोटे होते थे काशिफ साहब। हाँ जी, मैं भी और शकीब उल हसन तो काशिफ से मतलब पहली आ गए अभी तो इधर सर, लेकिन 30 तौहीद ने किए, मुशफिकुर ने 13 किए हैं, मेहदी जगह का मुझे लगता है कि वो अच्छा 5 रन किए हैं, मेहदी हसन ने 6 रन किए हैं, तस्कीन ने 0 किया है, वो किया है, हाँ मुस्तफीज ने 0 किया है, कुल मिला के 164.42 आशादी 4 ओवर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अगर 15 साल 99 में इनको मिला ना वनडे का स्टेटस, और उस वक्त से देखें यानी 24 साल हो गए हैं आपको, आप टोटल नहीं टाइम तो बहुत है, लेकिन टोटल 3 दफा एशिया कप लेवल पे तो सिर्फ 3 दफा ये फाइनल तक पहुंचे हैं, वो भी इत्तेफाक एक दो दफा पहुंच गए, किसी और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं है। बायलैटरल सीरीज जब होम पे होती है तो ऑस्ट्रेलिया को भी तोड़ देते हैं, होम आप बायलैटरल सीरीज इंग्लैंड से वनडे की करा देंगे, उनको भी तुना होगा इन्होंने, उसमें ये 4.5 स्पिनर लगा देते हैं एक साइड से, और कुछ 3-4 ओवर के लिए एक सीमर लगाते हैं, आप अनप्रिपेयर्ड विकेट्स के ऊपर ना, जिसपे वो जो क्रिकेटिंग सेंस में आपकी आप मैच ही जाते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। जब आप ग्रोथ नहीं करेंगे ना, आप अपना स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, आपका ये प्लान नहीं होगा कि यार मैं चलो ऑस्ट्रेलिया जाके 3-0 तो मैंने हारना है, लेकिन मैं कुछ 2 मैच ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मैं इंग्लैंड में जाके मैच ड्रॉ करूँ, वनडे जीत सकूँ, टी20, वो उसका शौक ही नहीं है ना, ये प्रिपेयर करें एशिया कप के लिए, ना ये वर्ल्ड कप के लिए, ना ये किसी और टूर्नामेंट के लिए, इनका टोटल फोकस है होम पे 2-4 मैच जीत के। सारी दुनिया ने ये देख लिया ना बांग्लादेश का प्रॉब्लम। दूसरी बात ये, मुझे सबसे ज्यादा इख्तलाफ इस चीज के, एक प्लेयर ने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया, वापस क्यों लेके आते हैं? आप तमीम इकबाल से देख लें, शकीब उल हसन, मुशफिक उर रहीम को देख लें, इसका मतलब है कि आपके पास टैलेंट ही नहीं है ना, वो लोग आ ही नहीं रहे, शौक भी नहीं है ढूंढने का। ये नहीं, आपके आपकी जो प्रेफरेंस है, अच्छा एक चीज अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यार देखिए इन्होंने भी हमारी देखा देखी ना, बहुत जल्दी जी प्रीमियर लीग कराती है ना, हमसे पहले करा दिया ना, मिसबॉल ऑफ उसको जाता होगा, मैं करा दी देखा देखी थी, क्या फायदा, क्या लेकर लड़के उसमें भी वही खेल रहे होते हैं, कोई मुझे नया टैलेंट उसमें तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा कोई एक्सट्रीम टैलेंट सर लीग, मैं तो T20 लीग से वैसे मुझे इख्तलाफ है सर। चलो कोई टैलेंट दुनिया में पूरी नहीं, ये टैलेंट के लिए नहीं होता, ये सिर्फ कमर्शियल एंगल को देखा जाता है, और दूसरी बात है क्राउड को पुल करने के लिए होता है, वरना क्रिकेट का तो जितना बेड़ा गर्क T20 ने किया उतना किसी और ने किया ही नहीं। आप देखें, हम जब 50 ओवर के मैचेस होते थे तो कहते थे वनडे जो है क्रिकेट को खराब कर रही है, जब वनडे क्रिकेट को खराब करे तो T20 क्या क्रिकेट का हाल कर रही होगी, तो इसलिए उसने तो T20 ने लेकिन वनडे को फोर्थ करा वनडे के, मैं आपको वैसे बता रहा हूं दो साफ साफ जिससे T20 दो वर्ल्ड कप रह गए हैं वनडे के, इसके बाद वनडे वैसे ही खत्म हो जाना। अब पिछले 4 साल में या पिछले वर्ल्ड कप से अब तक पाकिस्तान ने टोटल पाकिस्तान नहीं, आपको याद है 94 92 90 के जमाने में 35 वनडे इंडिया खेलती थी,
35-35 वनडे साल में, आजकल आपने पिछले चार साल में पिछले वर्ल्ड कप जो थे पाकिस्तान में खेला 32 या 33 वनडे सही है सर, बहुत मुश्किल से 27-28 वनडे नहीं है। आप वर्ल्ड कप आ रहे ऑस्ट्रेलिया और वो T20 सीरीज खेल रहे हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड T20 सीरीज, हमने कितने सात साल में, मतलब हम तो चलो फिर कह रहे थे यार एशिया का करा लो, बांग्लादेश की आपने बात की, अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं, अगर श्रीलंका की ओवरऑल टीम देखी जाए तो मुझे लगता है कि श्रीलंका की बॉलिंग में भी वो डेप्थ नहीं है, खास तौर पे हसरंगा के एब्सेंस में अब एक निशांका ही रह गया उनका बॉलर यार। अच्छा एक तो बड़ा मुश्किल नाम है उनके, पतीशा पति राणा, चार विकेट जिसने लिए, ये पति राणा जो है ना ये वो स्लिंगी एक्शन स्लिंगी को नहीं है, मुझे एग्री फोर मैन्स मिलेगा मिलेगा बट फोर विकेट ही गॉट, नहीं अच्छी पेस उसकी अच्छी है, उसकी नेपाल से बोलो ना कि रन चार होते हैं, ये भी है ये भी है। अच्छा लेकिन एक चीज है श्रीलंका की, एक तो वही रिजवान भाई वाले स्टैट्स के यार 6 दफा जीती है एशिया देखें, और हम कहते हैं जी जॉइंट इंडिया पाकिस्तान जीत हो गए इस पे, चले अगले में जब इंडिया पाकिस्तान की हम करेंगे ना बात तो उस वाले दिन हम कर लेंगे, लेकिन मैं जरा वापस आऊं अभी जो मैं प्रेजेंट देख रहा था श्रीलंका और कंपैरेटिवली बांग्लादेश, यार श्रीलंका के प्लेयर्स नए हैं लेकिन वो एज ए टीम खेलते सुपरस्टार कोई नहीं है, मैं वही बात, अगर आप उनकी बैटिंग में देखें सर सुन तो नहीं ना कंपैरेटिवली कहा ना, मैंने ये तो नहीं कहा बोल रही कंपैरेटिवली प्लेयर नए हैं, ओ भाई ऐसे तजर्बे का आपको क्या फायदा है जो आपको मैच ही ना जितवाए बांग्लादेश है, क्या फायदा है तजर्बे का, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका का फोकस जो है ना उनकी बैटिंग है, बैटिंग में आप देखें ना निशांका शुरू में कुछ साल मेंटेस है, उनकी बैटिंग में डेप्थ भी बहुत ज्यादा है, उनके पास ज्यादा है, लेकिन ये है कि श्रीलंका जो है अभी बिल्डिंग फेज में ना, ऐसा ऐसा टीम बन रही है श्रीलंका का, ये ना कि जो बिल्डिंग फेज में जाता है तो बाद में बिल्ड कर भी लेते हैं, बट यार धनंजय डी सिल्वा एक्सीलेंट धनंजय, हाँ क्या बात है धनंजय की, एक्सीलेंट प्लेयर पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे वो खेला सर, मैं कहता हूँ अकेला खड़ा हुआ और बड़ी उसमें परेशानी डाली, बहुत जबरदस्त खेला, कोई गुस्सा आया मुझे, मैं तो देखा था माइक तो नहीं बंद नहीं हुआ चल रहा ये अच्छा था, लेकिन धनंजय अगर हम देखें ऐसा इंपैक्टफुल प्लेयर है यार निकलता है श्रीलंका में, इससे पहले भी हम बांग्लादेश में नहीं हमें मिलता कोई इंपैक्टफुल प्लेयर, सिर्फ विकेट नहीं है ना, आप विकेट दें तो सही, स्ट्रक्चर नहीं उनके पास प्रॉपर, श्रीलंका में भी फर्स्ट क्लास बहुत कम है, जब उनको टेस्ट स्टेटस मिला तो उनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं थी, बट उन्होंने डेवलप की, चलिए इसको डेवलप नहीं करना चाह रहे, और पता है क्या आउट ऑफ द बॉक्स का एक सवाल वर्ल्ड कप के बाद जीतने के बाद उनकी टीम में, मैं यही आउट ऑफ द बॉक्स एक बात कर रहा हूं, 96 का वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता और उस वर्ल्ड कप के जीतने के बाद राज किया भाई पूरी दुनिया में, श्रीलंका को ये कहते थे कि डरते थे आप जया सूर्या आ गया है, कालू वितनामा आ गया है, यस अच्छा यस, और एक चीज कहते थे भाई श्रीलंका तो जाती जीतने के लिए, उन्होंने उनके डिसिल्वा ने एक ही साल में चार चार डबल सेंचुरीज के ढेर लगा दिए, इतना बड़ा क्या हम बांग्लादेश से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24 साल बाद भी कि भाई जान कभी कुछ जीत ही जाएगा, नहीं बहुत बड़े नहीं है, बड़ा होकर खेल ठीक हो जाएगा, वो बड़े नहीं टैलेंट नहीं है, विल नहीं है, और टैलेंट है यार, टैलेंट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा मुझे बताएं जल्दी से अब एंड क्या करना चाहिए ऐसा बांग्लादेश को कि हम तो तंग, मैं उनकी क्रिकेट से बड़ा तंग, मैं मुझे मजा नहीं आता, यानी हमारे आप पाकिस्तान को सोचे अनइवन टीम कहते हैं भाई कोई पता नहीं इस टीम का, उसको भी उससे कोई खतरा नहीं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है, अगर बेसिक आप स्ट्रक्चर को बेहतर करें अपने सर, पहले तो पुरानों की जगह नए लाए, कुछ चेहरे लाए, कैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, ऑस्ट्रेलिया बड़ा सख्त है, एग्री, उनका एक प्लान होता है, वो देख रहे थे यार मातवो भाईजान ये आपकी आखिरी सीरीज है सर, आप इससे आगे आप समझते हैं आप खेल सकते हैं या नहीं खेलते, बट फॉर अस यू आर आउट सर, माइकल शेन वॉन वापस नहीं आ रहा, एवन शेन वॉन स्टीव वॉ ग्लेन मैकग्रा एलन बॉर्डर इन्होंने छुड़वाया, आखिरी सीरीज को कहते हैं होम किया सिडनी वाला टेस्ट आपका लास्ट हो, हमारा तो गलती से रिटायर है तो मानता नहीं कर देते, वो कहते जी मैंने अपना वो आखिरी बेनिफिट खेलना है, मैं वापस आ रहा हूं, अच्छा वो जब वो खेल भी लेते फिर हम कहते फाइन आ जाओ वापस यार एक और खेल, अच्छा ये बताए चले अब बांग्लादेश आगे इस पूरे एशिया कप में कोई किसी के लिए, अफगानिस्तान अफगानिस्तान निकलेगी थ्रेट बनेगी, अफगानिस्तान थ्रेट है, अफगानिस्तान थ्रेट है, और श्रीलंका को रेट कैसे करेंगे, श्रीलंका डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बांग्लादेश को हम रेट ही नहीं कर रहे,
वो उधर ही नेपाल है और दूसरी बात है कि श्रीलंका, देखिए श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, होम ग्राउंड का फायदा, होम ग्राउंड का सर ना भी हो वो क्षेत्र का जीते सर प्ले दे नो हाउ टू प्ले नहीं यार। अभी 2022 अभी रिसेंट हमें हरा है हां, उन्होंने हमें क्या इंडिया को भी हरा दिया था, खाली हमें नहीं इंडिया को भी हरा दिया। चले हमें हरा के फाइनल में श्रीलंका हम दोनों में से किसी एक के साथ खेले इंडिया, क्यों भाई पाकिस्तान इंडिया जो इस पे मैं दोबारा बात करूंगा अगले में, पाकिस्तान इंडिया जो इंडिया को। चले जी अब तक के लिए टाइम, बाय 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 बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगली एपिसोड का इंतजार करें। अब आएगी इंडिया पाकिस्तान वाली एपिसोड।